नवाज से पहले इस अभिनेता को ऑफर हुई थी फिल्म ठाकरे। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। नवाज ने जब जब नया किरदार निभाया है तब तब दर्शकों को फिल्म और उनका किरदार खूब पसंद आया है। हाल ही में नवाज फिल्म ठाकरे में नजर आए हैं। फिल्म में नवाज की एक्टिंग की जमकर तारीफें हो रही है, लेकिन इस फिल्म से जुड़ा हाल ही में एक खुलासा हुआ है। दरअसल हाल ही में फिल्म को लेकर कहा गया है कि फिल्म में नवाज से पहले इसकी पसंद कोई और थे। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के लिए इसकी पहली पसंद इरफान खान को बताया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेकर्स लीड रोल के लिए इरफान को लेना चाहते थे, लेकिन चीजें प्लान के अनुसार नहीं हो पाई। डायरेक्टर अभिजीत पान से संजय राउत और मैं सोच विचार कर रहे थे। हमारे दिमाग में इरफान थे, लेकिन वे किसी दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी थे। वे 2 से 3 महीने बाद ही ठाकरे मूवी को समय दे सकते थे। ये सारी बातें हाल ही में फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर रोहन मापुस्कर ने बताई हैं। वहीं रोहन ने ये भी बताया कि अभिजीत पानसे ने कहा था कि कई पंडालों में मिस्टर ठाकरे कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठते थे। इस दौरान हमने सोचा कि नवाज ठाकरे उन सीन्स के लिए इरफान से बेहतर साबित होंगे। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि अमृता राव भी ठाकरे की पत्नी के रोल के लिए पहली पसंद नहीं थी। मेकर्स मंटो एक्ट्रेस रशिका दुग्गल को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन वे फ्रेश चेहरा चाहते थे, इसलिए अमृता को ही लिया गया। अब ऐसे में साफ है कि इस फिल्म से पहले इसकी पहली पसंद इरफान थे। बता दें कि इरफान इन दिनों अपने कैंसर का इलाज करा रहे हैं। वो बीते दिनों से ही न्यूयॉर्क में है। वहीं ठाकरे फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में बाल ठाकरे की पूरी जिंदगी को दिखाया गया है, कैसे उन्होंने राजनीति में एंट्री की और फिर कैसे धीरे धीरे शिवसेना का निर्माण हुआ। नवाजुद्दीन ने बाल ठाकरे के किरदार को जीने के लिए काफी मेहनत की है, जो कि साफ नजर भी आ रही है। 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने अपनी शिवसेना पार्टी का निर्माण किया था। उन्होंने कार्टूनिस्ट के तौर पर भी काम किया था। इसके बाद फिर वो अपना साप्ताहिक अखबार भी लेकर आए। देखते हैं कि फिल्म क्या कमाल दिखाती है।